देखिए, जिनका हो गया है बहुत बढ़िया है, और जिनका नहीं हो पाया किसी वजह से तो मेरा सब उनको। 3 ही बना है, वह कंप्रेसर निकला है और वह टरबाइन ओके एफिशिएंसी। ओके, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा हमने खास करना नहीं। मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स बताए थे, वो हमेशा आपने ध्यान में रखने हैं। देखो, हमेशा जब भी आपको सामने क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, वो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि हमेशा सबसे पहले एक छोटी सी डायग्राम बना लो, डायग्राम के थ्रू आगे आगे बढ़ते रहो, और सबसे पहले प्रेशर और टेम्परेचर देख लो जल्दी से सभी जगह के। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे हमारे पास एक कंप्रेसर है छोटा सा, कंप्रेसर के बाद एक कंबसन चैम्बर है, और कंबसन चैम्बर के बाद मेरा एक टर्बाइन है। क्लियर? तो जो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, P1 95 किलो पास्कल, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना है बेटा, 22 डिग्री सेल्सियस। तो 273 और 22, तो यहाँ से 295 आपका यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर आ गया। तो ये पहला पॉइंट है आपका, ये सेकंड पॉइंट है आपका, ये थर्ड पॉइंट है, और ये फोर्थ पॉइंट है। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट पे प्रेशर कितना बन जाएगा, कोई बताएगा मेरे को? क्योंकि यहाँ पे आपके पास आरपी दिया हुआ है, और आरपी कितना है, 6:1। मतलब आरपी का मतलब होता है कितना प्रेशर राइज किया, तो 6 गुना प्रेशर राइज किया। ठीक है, 6 गुना प्रेशर राइज किया है आरपी का। तो पी टू कितना आया बताएगा कोई? 570 किलो। 570 किलो पास्कल। ठीक है, अच्छा, अगर सभी स्टूडेंट को मैंने बताया है, अब आपके पास एक प्रैक्टिस की वजह से स्पीड बन गई है, डायरेक्टली आप क्या करते हो, P2 निकालना है अगर, तो आप डायरेक्टली लिखते हो P2 बाय P1 को R लिखते हो, और यहाँ पे गामा माइनस वन अपॉन गामा में 1.4 डालते हो। तो ये वैल्यू आपने हमेशा याद कर ली थी पिछली क्लास में, और यहाँ पे R6 दिया हुआ है, तो T2 को क्या करना पड़ेगा, 295 × 10। मतलब R की वैल्यू 6 है, और यहाँ पे 1.4 माइनस 1.4 डिवाइड बाय 1.4, तो इसकी वैल्यू क्या आई T2 की आपके पास, 493। 492.96। और हाँ ठीक है, 493 केल्विन। तो यहाँ पे जो आपके पास टेम्परेचर है, आपने जल्दी से क्या लिख लिया, 493। देखो, मैं आपको ये स्टेप बार 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 रिपीट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि शायद आपका लक फैक्टर अच्छा आ जाए कि जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें डायरेक्टली अगर 10 नंबर का एक ब्रेटन साइकिल का क्वेश्चन ही आ गया तो आपके 10 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो गए वो, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो हमेशा पूरे नंबर मिलते हैं, थ्योरेटिकल लिखने में आपके कम हो सकते हैं पर न्यूमेरिकल में पूरे मिलते हैं। तो ऐसा हो चुका है, 2-3 बार आ चुका है पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली। अच्छा, उसके बाद जो आपका ये थर्ड है, थर्ड को देखते हैं, यहाँ पे प्रेशर हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, तो P3 मेरा 570 किलो पास्कल ही आ जाएगा, और यहाँ पे जो T3 दिया हुआ है वो इन्होंने दिया है कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 1100 केल्विन है। ओके, अब मेरे को P4 बता दो कितना हो जाएगा। अगर आपका आइडियल ब्रेटन साइकिल है तो जितनी कंप्रेशन रेशो उतनी एक्सपेंशन रेशो, तो P4 कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? 95 95। और T4 कितना होगा, वही T4 करते हैं, बताएगा? 258.93, 658.93, कितना, 658.93.93 658.93। कैलकुलेटर। तो 659 ही ले लेते हैं, सभी का यही आया बेटा। मेरा 661 आया था। ठीक है सर, ये भी ओके ठीक है सर। ठीक है, तो आपके पास T4 और P4 भी आ गया। तो देखो, हमने अभी तक क्या किया था कि सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर हर जगह के आ जाए, तो वो हमने सबसे पहले प्रैक्टिस कर लिया। अब आपने इतनी प्रैक्टिस कर लिया कि अब आपको एक जल्दी जल्दी चीजें हो जा रही है आपसे। ठीक है, अब जैसे आपने ये किया, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया है कि कभी भी आपसे कंप्रेसर वर्क पूछे तो आपने अपने माइंड में कैसे कैलकुलेशन करनी है कि कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है, तो जब भी ये कंप्रेस करता है इंथैल्पी बढ़ा देता है, तो इंथैल्पी बढ़ी हुई माइनस जो पहले इंथैल्पी थी। ठीक है, तो H2 माइनस H1 के लिए CP
टी टू माइनस टी वन करना पड़ेगा। अब सीपी की वैल्यू आपको पता है 1.005 होती है, और टी टू आपके पास है 493 और टी वन आपके पास है 295, तो यहां से आपके पास वर्क कितना आ गया 197 किलो जूल पर केजी केल्विन। अच्छा अगर मैं 198 आया था, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक बात है डब्ल्यू टी मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे इंथैल्पी आती है उसको खर्च करके हम यहाँ से वर्क बाहर निकालते हैं, तो अगर इसको खर्च करेंगे तो यहाँ पे जो इंथैल्पी आएगी वो कम आएगी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं H3 - H4 करते हैं इसमें, तो यहाँ पे सीपी T3 - T4 हो जाएगा, और यहाँ पे सीपी की वैल्यू 1.005 आएगी और T3 की वैल्यू मेरे पास 1100 दी हुई है और T4 की वैल्यू यहाँ पे 659 दी हुई है। क्लियर, तो यहाँ पे कितना आया WT आपका 443 किलो जूल पर केजी केल्विन, तो सभी का WC और WT आ गया। क्लियर, ओके एफिशिएंसी आपने निकाल ली होगी। सर आंसर पॉइंट में आए हमारे, क्या आंसर आया बेटा? सर WC आया है 198.44। हाँ बेटा वो एक्चुअली मैंने एक राउंड फिगर रख ली ना, अप्रोक्स आया 198 आया था। हाँ हाँ ठीक है, और ये भी ऐसा ही कुछ आया होगा। यस बहुत बढ़िया। अब साइकिल की एफिशिएंसी आपने कैसे निकाल ली होगी? 1-1/RP के साथ है ना? 40% बहुत बढ़िया। अगर आपने एफिशिएंसी निकाल ली तो आप जल्दी से डब्ल्यू नेट अपॉन में क्यू भी निकाल सकते हो, क्यू इन कितना आया है ना, वो भी निकल जाएगा, ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आता है बैक वर्क रेशो। तो बैक वर्क रेशो कभी भी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करनी है मेरे को वो थोड़ा सा बताना था आपको। तो बैक वर्क रेशो कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, जो भी आपने वर्क दिया है, अब ना यहाँ पे ध्यान में रखना डेफिनेशन इसकी, बैक वर्क रेशो इसकी डेफिनेशन है डब्ल्यू इन डिवाइड बाय डब्ल्यू आउट। कभी भी ऐसा याद नहीं रखना। कैसा, आपको पता है हम वर्क इन कहां पे देते हैं? कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर का वर्क डिवाइड बाय यहां पे है डब्ल्यू आउट, मतलब यहां पे कंप्रेसर जो आपने टरबाइन का लिया है, मतलब आउट का मतलब क्या हो गया, टरबाइन। ठीक है, तो कंप्रेसर और टरबाइन, तो W कंप्रेसर और W टरबाइन, तो यहां से W कंप्रेसर भी पता है आपको, W टरबाइन भी आपको पता है 198 है और 443 है, तो इसका अगर आप यहां पे वैल्यू रखोगे 198, यहां पे वैल्यू रखोगे 443, तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट कितनी आई दिखाना, बताओ जरा। 0.446 हाँ लगभग यही आ गई आपके पास 0.45। तो वर्क बैक वर्क रेशो हमेशा आपको ये याद नहीं रखनी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ब्रेटन साइकिल में W इन जो है वो कंप्रेसर के साथ साथ आपने कहीं और भी दिया होता है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप थोड़ा और हाई लेवल पे जाओगे कि आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि दो स्टेज में कंप्रेसर दिया हो, है ना, तो दोनों कंप्रेसर का वर्क को प्लस करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे जो कंप्रेसर वर्क है उसके साथ साथ W आपको कहीं और गिवन हो, मतलब कि आपको कंडीशन गिवन हो कि आपका कुछ W इन कहीं और भी हो रहा है, तो दोनों का W इन जितने भी हो रहे हैं पूरे साइकिल में उसको डिवाइड बाय जितने W आउट हो रहे हैं उसको डिवाइड करना। क्लियर, और एक लास्ट चीज हमारी पिछले लेक्चर में रह गई थी तो वो आपको कुछ बतानी है। देखो बेटा मैं जो हमारी लास्ट क्या बताया तो सर ये कंप्रेसर वर्क बटे टरबाइन वर्क। हाँ जी बेटा सर एक बार फिर बताएं बैक वर्क रेशो। बैक वर्क रेशो की डेफिनेशन है कि आपने जितना उस साइकिल, एक्चुअली हम साइकिल ब्रेटन साइकिल बनाया क्यों था, ब्रेटन साइकिल हमने बनाया क्योंकि हमें टरबाइन को घुमा के कुछ वर्क चाहिए था, तो वर्क आपको मिल गया, अब उस वर्क से आपने कितना वर्क दोबारा इंजन को दिया, तो वो है W इन।
इसका जो रेशो होता है उसको बोला जाता है बैक वर्क रेशो। अब यहाँ पे W इन आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे W आउट ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे W इन की कहानी सुनो, कभी कभी आज का आज तक सिर्फ एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें ना क्वेश्चन में ही एक W इन आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ था, तो बच्चे वो लेना भूल गए थे। कभी कभी एग्जामिनर क्या बोलता है कि इस ब्रेटन साइकिल में किसी एक कंपोनेंट में हमने W एक्स्ट्रा दिया, तो W इन पूरे साइकिल में कितना है? एक तो W कंप्रेसर प्लस पूरे साइकिल में कहीं पे भी W इन हो रहा हो किसी भी फॉर्म में तो वो भी साथ में लेना है, डिवाइड बाय जितना आपका टर्बाइन वर्क दे रहा है W आउट। इन दोनों का रेशो लोगे तो बैक वर्क रेशो आपके सामने आएगा। क्लियर? दूसरी चीज ये देखो, स्लाइड लगा दीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्या है, आप सभी को पता है कि वर्क ये जो बताया है पहले से दिया रहेगा उसको ऐड करना है फिर से। एक्चुअली क्या है कि बैक वर्क रेशो के डेफिनेशन तो W इन बाय W आउट ही है, पर ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा W इन दे देता है तो वो भी ऐड करना है W कंप्रेसर के साथ। ठीक है, अच्छा वर्क रेशो अलग है। क्या बोल रहे हो बेटा? वर्क रेशो? यस सर, वो अलग है। नहीं, वर्क रेशो डायरेक्टली आप जब कंप्रेसर का वर्क कंपेयर कर लोगे टर्बाइन के साथ तो वर्क रेशो हो जाएगा, और बैक वर्क रेशो क्या होता है? कंबाइन पूरा जहां जहां वर्क आपको दिया गया W इन डिवाइड बाय W आउट। ठीक है, क्लियर हो? क्लियर हो गया। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो जो वर्क रेशो है वो तो बैक वर्क रेशो में इंक्लूड हो ही जाता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मेरे को और बतानी है लास्ट आपको ब्रेटन साइकिल में, कि जो W नेट है ना वो आपको पता है W टर्बाइन माइनस W कंप्रेसर होता है, और ये भी आपको पता है कि यहाँ पे आप CP T3 लिखते हो, इसको T4 लिखते हो माइनस CP, इसको T2 माइनस T1 लिखते हो, ये आप सभी को पता है W नेट आप ऐसे लिखते हो। क्लियर? अच्छा, लास्ट में अगर आप यहां से T3 कॉमन लेते हो तो 1 माइनस T4 बाय T3 आता है, और यहां पे अगर आप T1 को बाहर लेते हो तो 1 माइनस सॉरी T2 बाय T1 माइनस 1 ये आपके पास आएगा। क्लियर? अब आपको ये भी पता है क्या कि T3 बाय T4 को आप जैसे टर्बाइन में एक्सपेंशन रेशो और कंप्रेशन रेशो कंप्रेसर में दोनों सेम होती है आइडियल साइकिल में, तो अगर आप T2 बाय T1 को RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना इसको, कितना ध्यान में आ गया आपको? मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो CP T1 RP रेस टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये लिख सकते हो? नहीं बताओ। Yes. और यहाँ पे उल्टा, यहाँ T3 by T4 को लिखते हैं तो यहाँ पे नीचे RP लिख दिया। यहां तक आई थिंक हर बच्चे को क्लियर होगा बेटा, यहां तक मेरे साथ है सभी बच्चे? यस और नो बता दो एक बार। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना है आपको, और जो मैं बोलूंगा वो आपने साइड में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये शायद आपको कहीं बुक में ना मिले। अच्छा, मैं आपको बोलूं कि बेटा मेरे को ये बताओ कि वर्क डन जो है, नेट वर्क डन है वो जीरो कब होगा, तो कोई बताएगा कब होगा? सर जो वर्क डन बाय कंप्रेसर सर, वर्क डन टर्बाइन बराबर होगा। ओके, बहुत बढ़िया, जब वर्क डन टर्बाइन बराबर हो WC के। हाँ, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, बट आप इसको इस इक्वेशन को ध्यान में रखो और मेरे को ये बताओ कि W नेट जीरो कब हो सकता है? जब RP सर जीरो होगा। जब RP जीरो होगा? वन होगा सर। वन होगा या जीरो होगा? वन होगा। वन होगा सर। यस सर, वन होगा, RP वन होगा। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि W नेट जीरो होगा कभी भी RP इक्वल टू वन होगा।
पहली बात, ठीक है। अब आरपी इज इक्वल टू वन अगर होगा तो वर्क डन जीरो होगा। मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक तो बात आपने ये डिटेल में एक नोट डाउन कर लेनी है। दूसरी बात, एक ना मैक्सिमा मिनिमा होता है, पता नहीं आपने कभी लाइफ में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैक्सिमा मिनिमा डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा और दूसरे बच्चों ने शायद पढ़ा होगा। मैक्सिमा मिनिमा ये 12th क्लास में होता है। इसकी हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कंडीशन कि डब्ल्यू नेट मैक्सिमम कब होगा और डब्ल्यू नेट मिनिमम कब होगा। क्लियर। इसके लिए एक कंडीशन होती है डी डब्ल्यू बाय डी आर पी इज इक्वल टू जीरो। जो नेट वर्क डन होता है उसको डिफरेंशिएट करना होता है डी आर पी से। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा करते हैं। कभी भी किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है जो मैं अभी लिखवाने वाला हूं। एक तो आपने ये नोट डाउन कर लेना है, एक इस इक्वेशन को नोट डाउन कर लेना है। अगली चीज देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि आरपी की वैल्यू बढ़ रही है तो इससे क्या समझ में आता है आपको? साइकिल के वर्क नेट कम रहा है। देखो आरपी की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि कंप्रेसर जो है वो ज्यादा वर्क कर रहा है ना सर। हाँ, जो कंप्रेसर जो है वो ज्यादा हाई प्रेशर में जो इनटेक फ्लो है उससे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में आउटवर्ड फ्लो है, मतलब प्रेशर राइज करके दे रहा है हमें, ठीक है। अब जैसे जैसे आप आरपी बढ़ाते चले जाते हो, जैसे जैसे आरपी बढ़ाते चले जाते हो तो एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ता है बेटा? बढ़ेगी सर। जब आरपी बढ़ती है तो एफिशिएंसी क्या होती है? इंक्रीज करती है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि आप कितना आरपी बढ़ा सकते हो। एक कंडीशन है कितना आरपी बढ़ा सकते हो, तो आपने ना तीन कंडीशन ध्यान में रखनी है। ये जो मैं कंडीशन लिखा रहा हूँ ये आफ्टर इसको सब सॉल्व करते हैं तब आती है। तो वो सॉल्व करते सर, कैसे हैं? प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे तो कंप्रेसर को वर्क बढ़ेगा ना सर। अगर कंप्रेसर रेशियो बढ़ा रहे हो तो कंप्रेसर का वर्क बढ़ेगा बेटा, ये बोलना एक हद तक ठीक है बट हम एग्जैक्टली नहीं बोल पाएंगे। तो फिर एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर जाएगी सर? एफिशिएंसी इंप्रूव कैसे होती है? आरपी की हेल्प से। यस सर, जैसे बढ़ रही है तो कंप्रेसर का वर्क बढ़ रहा है। नहीं नहीं, एक्चुअली आपका ध्यान सिर्फ कंप्रेसर के वर्क की तरफ है, आरपी बढ़ने के बहुत तरीके हैं ना। और अच्छा सर, आरपी बढ़ने के बेटा बहुत तरीके हैं, सिर्फ कंप्रेसर के वर्क से आरपी नहीं बढ़ता। जब मैं अभी आपको आपको पता है पावर प्लांट चल रहा है तो इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, कंप्रेसर और टरबाइन अलग अलग पढ़ेंगे कंप्लीटली। कंप्रेसर के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, सिर्फ कंप्रेसर के, और कुछ टरबाइन भी पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर होगी चीजें। पर जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ वो चीजें आप ब्रेटन साइकिल में जरूर लिखो। जैसे जैसे आप आरपी बढ़ाओगे, ठीक है, तो एक ना एक आरपी ऐसा जरूर आएगा जिसमें आपका डब्ल्यू नेट मैक्सिमम होगा, यस और नो? तो अगर आप अपना आरपी किसके बराबर कर देते हो, उसके बराबर जिस आरपी पे मैक्सिमम वर्क हो रहा है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है बेटा, जो टी फोर होता है ना वो टी टू के इक्वल होता है। टी फोर समझ रहे हो ना आप कौन सा? जैसे कंप्रेसर है, उसके बाद कंबसन चैम्बर आता है, कंबसन चैम्बर के बाद टर्बाइन आता है, तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया। तो जो मैं कंडीशन लिखवा रहा हूँ ये डायरेक्ट लिख लो, एग्जामिनेशन में यही दिखेगी आपको। तो पहली कंडीशन लिख लो, जब आप आरपी किसके बराबर करते हो, जब आप आरपी आरपी वर्क मैक्सिमम के बराबर कर दोगे तो टी फोर टी टू के इक्वल आएगा, ये कंडीशन पूछी जाती है एग्जाम। अगला क्या बोलोगे, अगर आरपी की वैल्यू कम है किससे, आरपी वर्क मैक्सिमम से। ये आया कैसे बेटा, उधर ध्यान नहीं देना क्योंकि इसको सोल्व करना पड़ेगा और वो अपने से बाहर की बात है, ठीक है। तो इसलिए आरपी की वैल्यू अगर लेस देन है आरपी वर्क मैक्सिमम के, उस टाइम टी फोर की वैल्यू बड़ी होती है टी टू से। और
अगर आपके आरपी की वैल्यू आरपी मैक्सिमम वर्क से ज्यादा है उस टाइम टी फोर की वैल्यू कम होगी टी टू से। तो ये तीन कंडीशंस एग्जामिनर पूछता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। बेटा लिख लिया सभी ने? सर लग रहा है ये आज ही कहीं पढ़े थे हम। हाँ जी, आज सुबह में कहीं पढ़े थे, फिर पता नहीं किधर पढ़ लिए थे, ये शायद पढ़े थे। ओके सर पढ़े थे कि नोट्स पढ़े थे। चलिए एक बात मेरे को और बतानी है। ये बेटा हो गया फाइनल, ये बस आपने अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। एक लास्ट बात आपको क्या बतानी है, जो जब आप अपना कंप्लीट ब्रेटन साइकिल की बात करते हो ना बेटा, कंप्लीट ब्रेटन साइकिल, तो कंप्लीट ब्रेटन साइकिल का क्या मतलब है, यहां से आपने इंटेक किया कंप्रेसर को, कंप्रेसर के बाद आपने लगाया क्या इंटरकूलर, ये आपका कंप्रेसर था, उसके बाद आपने इंटरकूलर लगाया। आपसे किसी ने पूछा कि इंटरकूलर क्यों लगाया, तो आपने बताया इंटरकूलर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमें दो कंप्रेसर यूज करने हैं, उनके बीच में इंटरकूलर यूज होता है। फिर आपने क्या किया, एक कंबसन चैम्बर लगाया, और कंबसन चैम्बर के बाद आपने क्या किया, एक टर्बाइन लगाया। टर्बाइन के बाद क्या लगाते हो आप, रीहीटर, और रीहीटर के बाद आप लगाते हो दोबारा से टर्बाइन, और टर्बाइन के बाद आपका क्या लगता है यहाँ पे, रीजनरेटर। तो जो आपने ये रीजनरेटर लगाया है, मान लो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, हाँ जी बेटा पूरा होल सिस्टम को, हाँ हाँ क्या बोल रहे हो, इसको क्या कहेंगे सर, क्या पूरा को सर? हाँ तो मैंने बताया ना कंप्लीट ब्रेटन साइकिल, कंप्लीट सर इंटरकूलर से एफिशिएंसी बढ़ती है ना, 9 और 10। हाँ जी बेटा क्या बोल रहे हो, नहीं इंटरकूलर ओनली इंटरकूलर लगाया हमने तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। देखो अगर आप कंप्रेसर में दोनों कंप्रेसर के बीच में इंटरकूलर लगा रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बट अच्छा एफिशिएंसी बढ़ेगी क्यों, कोई आंसर देगा इस चीज का? सर क्योंकि हमारा W in जो होता है वो कम रहता है, मतलब लगता है W in कम लगता है। हाँ ये सर डबल हो क्यों कम लगता है पता नहीं, उसका प्रेशर पड़ जाएगा सर कंप्रेसर का, सर टेम्परेचर तो सेम रहेगा, इंटरकूलर से टेम्परेचर कम रहेगा क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, देखो बेटा जो रजनीश ने आंसर दिया ना उसको जस्टिफाई करते हैं एक मिनट के लिए, जो रजनीश ने आंसर दिया उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे मान लो मैं टीएस डायग्राम बनाता हूँ, कैसे बनाऊंगा, नंबर वन मेरा ये है, नंबर वन से नंबर टू में क्या है यहाँ पे आइसेंट्रोपिक, तो एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहने वाली है और टेम्परेचर बढ़ने वाला है, ठीक है, तो यहां से यहां आ गया सेकंड पॉइंट पे। अब मेरे को पता है सेकंड से थर्ड में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब देखो कई बच्चों को पता होगा कईयों को नहीं पता होगा, इंटरकूलर यहां से हीट बाहर निकाल रहा है,
और अगर हीट बाहर निकाल रहा है तो क्या होगा, आपको पता है क्यू अगर सिस्टम से बाहर जाता है तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है, क्योंकि डीएस क्या है, डीएस एक्चुअली में क्या है, क्यू बाय डीटी। तो आप अगर क्यू बाहर निकाल रहे हो तो ये डिक्रीज करेगी, बट कॉन्स्टेंट प्रेशर के साथ, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर के साथ डिक्रीज करवाओ एंट्रोपी को। यहाँ पे आ गए, थर्ड पॉइंट आ गया। थर्ड से फोर्थ में दोबारा से क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब देखो हुआ क्या, एक्चुअली में जो आपका टेम्परेचर बढ़ना था वो बढ़ा नहीं, बट आपका वर्क बढ़ गया। देखो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, तो कंप्रेसर सॉरी आरपी प्रेशर रेशो बढ़ गया आपका, बट आपने अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया। यहां तक क्लियर हो गया बेटा, जो रजनीश ने आंसर दिया कि आपका टेम्परेचर वही रहेगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो यही तो हमें चीज चाहिए होती है कि हमारा टेम्परेचर ना राइज करे। तो इस पॉइंट पे इंटरकूलर को लगा के हुआ क्या, आपका आरपी इंक्रीज कर गया, क्योंकि एक बार आरपी यहां बढ़ा, एक बार आरपी यहां बढ़ा, आरपी बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ी, बट आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया हमने। उसके बाद फोर से फाइव में फिर से प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट की आपने एसिड लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप कहाँ पे आ गए, सिक्स पॉइंट पे आ गए, ठीक है। कहीं यहाँ पे आपका रिजनरेटर का पॉइंट होगा और यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट होगा सिक्स पॉइंट। सिक्स के सेवन्थ के बाद फिर से एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, सेवन्थ से एट के बाद प्रेशर कांस्टेंट होगा, और रीहीट किया है आपने तो एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि आपने हीट ऐड की है तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। तो सेवन से एट पहुंचोगे, एट से नाइन में फिर से आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है तो एंट्रोपी कांस्टेंट करोगे, और फिर से यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट कर लोगे, ठीक है। और ये वाली लाइनें बिल्कुल सीधी होंगी। तो यहाँ पे इंटरकूलर में हुआ क्या था, इंटरकूलर में आपका ये वाला टेम्परेचर सेम रहा और आपकी आरपी बढ़ गई। तो जो मेरे को आपको बताना था क्या, कि एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि रीहीटर में, ये रीहीटर में, इस रीहीटर में जो प्रेशर होता है उसकी मीन वैल्यू क्या होती है, तो ना ध्यान में रखना, इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो पी सेवन होता है वो पी सिक्स और पी नाइन इनका इंटू स्क्वायर रूट के अंदर, पी सेवन की वैल्यू क्या होती है, पी सिक्स इंटू पी नाइन अंडर रूट, ठीक है, पी सिक्स पी नाइन अंडर रूट, ओके। अगर आपसे कोई क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा ऑप्टिमम, ध्यान में रखना, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ रीहीट प्रेशर, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ रीहीटर प्रेशर। तो रीहीटर ये है आपके पास, तो यहां पे जो प्रेशर एंटर कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, पी सिक्स और पी नाइन का अंडर रूट। ये आया कैसे बेटा, वो ड्राइव करके आता है इक्वेशंस के थ्रू, उसको सच में जरूरत नहीं है आपको करने की, चिंता मत करो। तो क्या कहते हैं इसे, अगर आपसे कोई पूछे कि जब मैं कंप्लीट ब्रेटन साइकिल यूज कर रहा हूं, उस टाइम पे जब मैं रीहीटर यूज करूंगा, तो रीहीटर में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू, यहाँ पे जो मैं कौन सा प्रेशर भेजू, पी सेवन में कितना भेजू कि मेरे को बिल्कुल ऑप्टिमम वैल्यू मिले। ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब है जिसमें डब्ल्यू टी आपका बढ़ता रहता है और डब्ल्यू सी सबसे कम होता है, मतलब डब्ल्यू नेट सबसे मैक्सिमम होता है। तो उस वैल्यू के लिए पी सेवन की वैल्यू होगी पी सिक्स इंटू पी नाइन और उसका अंडर रूट। ये बात क्लियर हो गई। अगली बात क्या बतानी है आपको, कभी भी आप रीहीटर यूज करते हो तो जो प्रेशर रेशो होती है अक्रॉस द टर्बाइन वो हमेशा सेम होती है, मतलब जो आपका पी सिक्स बाई पी सेवन की वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी यहाँ पे पी सेवन से पी एट की होगी, सॉरी पी सेवन से पी नाइन की होगी, और वही वैल्यू P8 से P9 की होगी। मतलब क्या है, टर्बाइन के अक्रॉस जो प्रेशर रेशो होती है वो हमेशा सेम होती है बेटा। ये ना कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लेता है वो, तो आपको ध्यान में रखना है कि टर्बाइन के अक्रॉस जो प्रेशर रेशो होती है वो हमेशा सेम होती है। ये आई कैसे, इनको छोड़ दो क्योंकि ये मैं डायरेक्ट वैल्यूज बता रहा हूं आपको, ये डेरिवेशन के थ्रू आती है। तो P6 by P7, P7 by P9 और P8 by P9 इक्वल होंगे, इसको लिख लो।
केवल टरबाइन के। और सर कंप्रेसर के पास 3 और 4 पॉइंट में, हाँ कंप्रेसर के लिए हम ये वाली वैल्यू नहीं लिख सकते, ये सिर्फ टरबाइन के लिए है। क्लियर बेटा? उसके लिए मैं रीजन बाद में बताऊंगा आपको, बट ये ध्यान में रखना कि जो टरबाइन है उसके लिए जो एक्सपेंशंस रेशो होती है इसके अक्रॉस वो सेम होती है। और लास्ट बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये कंप्रेसर की बात की है तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेसर में जो फ्लो वर्क है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, वीडीपी से। लिख लिया बेटा ये आपने? सर फिर से बताइए टरबाइन क्यों लिखे सर? हाँ जी बेटा, तो राइट साइड में टेबल टरबाइन लिखे हैं। मैंने टरबाइन के लिए सर। हाँ मैंने आपको बताया कि अगर आपके 2 टरबाइन लगे हैं तो दोनों टरबाइन के अक्रॉस जो प्रेशर रेशो होती है वो सेम होती है, प्रेशर रेशो सेम होती है इनमें P6, P7, P8, P9 में। ये कभी कभी क्या है वो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट में पूछ लेता है ये वाली बात, तो आपको ये अपने नोट्स में लिख लेनी चाहिए। केवल सर केवल ये कंप्लीट बेटन साइकिल के लिए ना? हाँ ये वाला डायग्राम, ये वाली नहीं नहीं ये कंडीशन जो है। हाँ ये कंडीशन जो है, अगर कंप्लीट ब्रेटन साइकिल है और कंप्लीट ब्रेटन साइकिल में अगर वो टरबाइन के अक्रॉस आपका प्रेशर रेशो पूछ रहे तो। सर P1 और P4 का प्रेशर सेम होगा क्या? हाँ जी, पॉइंट वन और पॉइंट फोर का प्रेशर, मतलब पॉइंट वन और पॉइंट फोर का प्रेशर बेटा सेम होगा तभी अगर ये आइडियल ब्रेटन साइकिल है, क्योंकि आइडियल ब्रेटन साइकिल बोलता है कि अगर आप 2 कंप्रेसर यूज कर रहे हो तो दोनों का प्रेशर रेशो सेम होना चाहिए। और अगर दोनों का प्रेशर रेशो सेम होगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 का ज्यादा होगा सर ना? नहीं नहीं नहीं, आप प्रेशर की बात कर रहे हो, टेम्परेचर की बात कर रहे थे? प्रेशर की? नहीं 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 बेटा, प्रेशर तो ऑब्वियस बात है ज्यादा ही होगा, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि 1 से 2। P9 कैसे आ गया सर यहाँ? हाँ जी, P7 और P9 कैसे आ गया सर? P7 और P9 इसलिए आया बेटा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखो आप, P7 और P8 बेटा प्रेशर इक्वल है ना दोनों? नहीं सर, ये जो रेशियो बताएं वो P7 और P9। चलो इसको वैसे आपको थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी सोचते तो आपको पता लग जाता। मान लो P6 इज इक्वल टू P7 है, क्यों है? इसकी एक्सपेंशन रेशो के लिए, P6 और P7। यहाँ पे एक्सपेंशन रेशो क्या है? P8/P9। क्लियर? अच्छा अब आपको एक और बात पता है, आपको पता है कि P7 और P8 इक्वल है, यस और नो? क्लियर है? हाँ यहाँ तक, तो इसीलिए ये बीच में P7/P9 किया गया। मतलब क्या है इसका P7/P9 का? देखो मेरे को ड्राइव करना पड़ेगा, उसका फायदा है नहीं है, बस आप एक बार ये कंडीशन लिख के रख लो अपने पास। हाँ वो ड्राइव करूंगा तो सभी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे बीच में, तो इसलिए मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें हमारे काम की नहीं है उन्हें उनके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कम से कम इसको 10 मिनट लग जाएंगे ड्राइव करने के। तो ये भी कंडीशन ऑप्टिमम वैल्यू के लिए, ऑप्टिमम वैल्यू के लिए, ऑप्टिमम वैल्यू के लिए। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे देखो। हाँ सर, वो आरपी जब टरबाइन के लिए सेम रहेगा तो ये दूसरे कंप्रेसर के लिए आरपी चेंज होगा क्या? मतलब पहले कंप्रेसर का आरपी जो है वो एक्चुअली बेटा बेटा बात क्या है कि ना, ऑप्टिमम जो रीहीटर है ना, एक्चुअली जब आपने फर्स्ट क्लास ली होगी जेट इंजन की, तो उसमें मैंने आपको एक उसका आफ्टर बर्नर का कंसेप्ट बताया होगा, एक आफ्टर बर्नर का, अगर आपको पता हो तो आफ्टर बर्नर का कंसेप्ट समझा था वो आपने जेट इंजन में?
ये सर हमने क्लास ली थी वो रीहीटर के तौर पर रखा था ना। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें ना अपनी पावर को बढ़ाने के लिए है ना टर्बाइन के ऊपर वर्क करना होता है। तो टर्बाइन हम अलग अलग स्टेजेस में लेते हैं, तो जो हम कभी भी वैल्यू की बात करते हैं ना ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ रीहीटर, इसके इसको हमने इसीलिए ऑप्टिमम वैल्यू की बात की क्योंकि हमें ना वर्क बढ़ाना होता है अपना। एक्चुअली क्या है, कंप्रेसर तो खाने वाली चीज है ना, वो कंप्रेसर हमारा वर्क खा रहा है। अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम टर्बाइन पे करेंगे तो हम वर्क बढ़ा सकते हैं अपना, क्योंकि डब्ल्यू नेट डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी होता है। डब्ल्यू सी ने तो वर्क खाना है, उसको वर्क चाहिए, डब्ल्यू इन है वो, बट हमें डब्ल्यू आउट के ऊपर काम करना है। तो हम ऑप्टिमम वैल्यू जो रिसर्च करते हैं वो टर्बाइन के ऊपर करते हैं, कंप्रेसर पे नहीं। अब कंप्रेसर की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, वो न्यूमेरिकल में दे देगा वो। वैसे मोस्टली आइडियल साइकिल्स में कंप्रेसर, दोनों कंप्रेसर का जो प्रेशर रेशो होता है वो सेम होता है। क्लियर बेटा? यस सर। मेरे को एक दो क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। मेरे पास एक दो क्वेश्चंस हैं जो दूसरे बैचेस में मेरे से पूछे गए थे, तो वो कुछ अच्छे क्वेश्चन है, तो उसको डिस्कस कर लो आपके साथ। बेटा हमने दो तरह के साइकिल पढ़े हैं, क्लोज साइकिल एक ओपन साइकिल, राइट है ना? तो आपने जूल साइकिल पढ़ा है क्या, किसने अभी तक? जूल साइकिल पढ़ा है बेटा? सेम सर, ऐसे ही है ना सर लगभग? हाँ जी, एक जूल साइकिल था, सेम ही है ना सर, ऐसा ही है, एक ओपन होगा सर, एक क्लोज होगा, ये फर्क है ना, और क्या है? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली में जूल साइकिल ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड करता है, रिलेट करता है, ठीक है? तो जो आपका ओपन साइकिल है या क्लोज साइकिल है, जो गैस टर्बाइन का, जो गैस टर्बाइन साइकिल में आप यूज करते हो, तो एक्चुअली में क्या है ना, उसका जो वर्किंग फ्लूड होता है, मेरी एक छोटी सी बात ध्यान में रखना, जब आप ओपन साइकिल ब्रेटन की बात करते हो तो आप एयर लेते हो और एयर को ही वापिस छोड़ देते हो, क्लियर? बट कभी भी आप क्लोज्ड गैस पर टर्बाइन साइकिल की बात करते हो ना,
तो आपको एक्चुअली में एटमॉस्फेयर का असेस तो वहां पे है नहीं। तो एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि जो ओपन साइकिल है उसमें तो आप एयर यूज करते हो, जो क्लोज्ड साइकिल है आपका गैस टरबाइन का उसमें कौन सा फ्लूड यूज होता है, तो आप लिख लो। उसमें हम नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं, हीलियम यूज कर सकते हैं, आर्गन यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लोज्ड के लिए। और मैं आपको बता दूं, जो आप ओपन ब्रेटन साइकिल यूज करते हो तो ओपन ब्रेटन साइकिल जूल साइकिल से रिलेटेड ही है, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ बता जी बेटा, क्या कौन सा टॉपिक करेंगे सर हम इसके बाद, कौन सा टॉपिक करेंगे? बताइए। बेटा इसके बाद ना कंप्रेसर और टरबाइन मेरे को अलग अलग एक बार आपको करवाना है, क्योंकि उसके ना कुछ न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में और कुछ डेरिवेशन है एक दो, वो जो आपको करवानी है, कंप्रेसर और टरबाइन। ठीक है सर, ठीक हाँ सर। अभी क्या लिखा रहे थे, वो लिखा रहे थे। बस आप ये लिख लीजिए कि कौन कौन सी गैसेस आप यूज करते हो क्लोज्ड टरबाइन साइकिल में, जो ब्रेटन साइकिल है उसमें, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन आर्गन। ब्रिटेन की एफिशिएंसी जो होती है कॉर्नर से ज्यादा वो बराबर होती है। अच्छा हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो भाई बात सुनो, एक बात ध्यान में रखना कि अगर कोई भी आपसे पूछता है कि आइडियल साइकिल बताओ, तो कार्नोट भी आइडियल साइकिल है, ब्रेटन भी आइडियल साइकिल है, क्लियर। कार्नोट साइकिल आप टरबाइन साइकिल्स में यूज कर नहीं सकते, तो टरबाइन साइकिल्स की एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए आपने ब्रेटन साइकिल बनाया, क्लियर। तो जो कार्नोट साइकिल है वो आपका हीट इंजन, मतलब ऑटो डीजल ड्यूल को कंपेयर करने के लिए हम बनाते थे, हीट इंजन को यूज करने के लिए बनाते थे, वैसे ही जो ब्रेटन साइकिल है वो भी आप बोल सकते हो कार्नोट साइकिल है, किसका, गैस टरबाइन साइकिल्स का। तो गैस टरबाइन साइकिल को कंपेयर करने के लिए कभी भी कार्नोट का यूज नहीं किया जाता, ब्रेटन का यूज किया जाता है, इसीलिए ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी इक्वल मानी जाती है। ये बात क्लियर हो गई? तो ये सर सर हाइपोथेटिकल है ना सर, दोनों अलग अलग फील्ड में है सर, दोनों तब अलग अलग पर फील्ड भी में। इससे बराबर होता है। हाँ बेटा अच्छा, और अगर आपसे कोई सिंपली पूछे कि री हीटर आप टरबाइन में यूज कर रहे हो उससे क्या होगा, डिक्रीज द कंप्रेसर वर्क और इंक्रीज द टरबाइन वर्क, तो आंसर क्या दोगे? इंक्रीज क्वेश्चन द अगर टर्बाइन आपसे कोई पूछ एफिशिएंसी। रहा है कि री हीटिंग जो आप यूज कर रहे हो, दो ऑप्शन है, इंक्रीज द टरबाइन वर्क और डिक्रीज द कंप्रेसर वर्क, तो क्या आंसर दोगे? इंक्रीज टरबाइन वर्क, हाँ इंक्रीज। डिक्रीज कंप्रेसर वर्क, ओके okay. दोनों सही है सर। नहीं बेटा, जब भी ना मैं ये इसलिए क्वेश्चंस कर रहा हूँ क्योंकि ये कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान में रखना, जब भी वो बात रीहीटर की करेगा आपको आंसर टरबाइन की फॉर्म में देना है, और जब भी वो बात इंटरकूलर की टर्म में करेगा तो आपको आंसर कंप्रेसर की फॉर्म में देना है, क्लियर, ये बात ध्यान में रखना। अगला एक अरे एक क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़ो था ना फिर सर, से। हेलो हाँ जी हाँ जी सर, जब रिजनरेटिव साइकिल होगा ना सर, तो हम्म, प्रेशर इंक्रीज करने पर सर हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज क्यों कर रही सर, ये समझ नहीं आया मुझे कुछ। ब्रेटन साइकिल में अगर आप रीजनरेटर यूज कर रहे हो और रीजनरेटर यूज करने के साथ साथ आरपी बढ़ा रहे हो हाँ तो जी आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। इसके ऊपर हमने डिस्कशन लास्ट क्लास में की थी अच्छे से, ये कार्तिक ने सेम क्वेश्चन किया था, यस सर, एक बार आप लास्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने बिल्कुल लास्ट में काफी हमने 10 मिनट डिस्कशन किया था इस चीज पे, ओके सर। थोड़ा देखना होगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मेरे को एक बार कॉल कर लेना आप ना। गैस टरबाइन जो है बेटा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है ना गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन के बारे में, तो देखो सब कुछ सेम होता है, गैस टरबाइन में आप गैस यूज करते हो, स्टीम टरबाइन में स्टीम यूज करते हो। तो मेरे को एक छोटी सी बात बताओ कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो स्टीम का ज्यादा होता है या गैस का? बेटा गैस स्पेस, होगा, हाँ जी गैस का। देखो, स्पेसिफिक वॉल्यूम स्टीम का ज्यादा होता है, क्लियर, ये लिख लो बात, क्योंकि ये चीजें हैं जो बुक में आपको मिलेंगी नहीं,
स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो स्टीम का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस, पहली बात ये लिख लो। अच्छा अब अगर मैं आपको बोलूं स्पेसिफिक वॉल्यूम स्टीम का ज्यादा होता है, तो मेरे को ये बताओ स्टीम टर्बाइन ज्यादा बड़ा होगा या गैस टर्बाइन? गैस टर्बाइन ज्यादा बड़ा होगा, स्टीम टर्बाइन ज्यादा होगा। स्टीम टर्बाइन ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि हमने क्या देखा अभी कि स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो पर यूनिट मास में उसको ज्यादा जगह घेरनी पड़ेगी, ज्यादा जगह घेरनी पड़ेगी, तो जो स्टीम टर्बाइन होता है वो ज्यादा बड़ा बनाया जाता है एज कम्पेयर टू गैस टर्बाइन। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर वो बता रहे थे हीटर केस में टर्बाइन और जनरेटर केस में कंप्रेसर ना? हाँ जी, पहले क्वेश्चन फिर आंसर यही होगा ना कि इंक्रीजेस टर्बाइन का। कौन से क्वेश्चन का? रीहीटर वाला सर, रीहीटर टर्बाइन कंप्रेसर नहीं, रीहीटर वाले का आंसर जो है वो हमने टर्बाइन की फॉर्म में देना है कि टर्बाइन का वर्क बढ़ेगा, और कभी भी आपसे वो इंटरकूलर की कहानी करता है तो आपको कंप्रेसर की फॉर्म में आंसर देना है हमेशा, ठीक है? ये ध्यान में रखना, क्योंकि रीजनरेटर के लिए ऐसा कोई कंफ्लिक्टेड क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं अभी सिर्फ कंफ्लिक्टेड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब एग्जाम होते हैं उसके बाद आंसर की आती है, तो आंसर की वो क्या कंप्रेसर दोनों के लिए होता है सर? हाँ जी, ये रीजनरेटर टर्बाइन और कंप्रेसर दोनों के लिए एक सेंस की बढ़ाएगा। बेटा आप बात ही कुछ अलग कर रहे हो, ब्रेटन रीजनरेटर से ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ती है, कंप्रेसर की या टरबाइन की एफिशिएंसी की तो बात ही नहीं होती यहाँ पे कोई, मतलब ये दोनों लगा रहेगा ब्रेटन साइकिल में। हाँ वो तो ऑब्वियस बात है, विदाउट इसके कैसे एफिशिएंसी बढ़ेगा। हाँ ठीक है, तो मेरे को ये बताना था आपको, स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होता है इसीलिए गैस टर्बाइन छोटा होता है और स्टीम टर्बाइन बड़ा होता है जो इंजन होता है, ठीक है? अच्छा दूसरी बात, अगर आपसे एफिशिएंसी की बात करता है गैस टर्बाइन या स्टीम टर्बाइन के बारे में, ठीक है, गैस टर्बाइन या स्टीम टर्बाइन के बारे में अगर वो बात करता है, तो आपको ध्यान में रखना है गैस टर्बाइन की एफिशिएंसी कम होती है एज कम्पेयर टू स्टीम टर्बाइन। अच्छा इसको याद नहीं करना आपको, मैं आपको बता दूं, जो आपके घरों में बिजली पहुंचती है जहां पे नदियां हैं वहां तो हम नदियों से बिजली बनाते हैं, बट जहां पे नदियां नहीं है वहां पे हम स्टीम पावर प्लांट यूज करते हैं। तो बेटा जो हमारे घरों में बिजली आती है वो स्टीम पावर प्लांट से बनती है, ठीक है, और जो हम गैस टर्बाइन यूज करते हैं वो हमारे पावर जनरेशन लाइक एयरक्राफ्ट का इंजन है ना, उसके लिए यूज होता है। तो जो हमारे घरों में बिजली पहुंचती है जो स्टीम टर्बाइन होते हैं उनकी एफिशिएंसी लगभग 60-70% होती है, ये लिख लो, बट जो आपके गैस टर्बाइन साइकिल्स होते हैं इनकी 40-45% होती है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है कि स्टीम टर्बाइन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैस टर्बाइन। क्लियर? गैस टर्बाइन स्टीम टर्बाइन दोनों पे ब्रेटन साइकिल बेस। बेटा स्टीम टर्बाइन कैसे बोल सकते हो ब्रेटन में, स्टीम टर्बाइन तो आपका रैंक नाइन पे बेस होगा ना सर। स्टीम टर्बाइन के लिए आइडियल साइकिल कौन से है? हाँ जी, स्टीम टर्बाइन के लिए आइडियल साइकिल कौन से है? स्टीम टर्बाइन के लिए रैंकाइन बेटा, रैंकाइन हाँ करवाएंगे वो। सर एफिशिएंसी कितना बताए थे स्टीम टर्बाइन का? स्टीम टर्बाइन का आप 60-70% लिखिए और गैस की 40-45%। क्लियर? और एक छोटी सी बात और बोलनी है आपसे लास्ट, कि जब भी आप ब्रेटन साइकिल यूज करते हो ना बेटा, तो दो कंप्रेसर जब भी लगाते हो तो उनके बीच में आपको पता है इंटरकूलर लगाते हो, तो जो पहला कंप्रेसर होता है उसको लो प्रेशर कंप्रेसर बोलते हैं और जो उससे अगला होता है उसको हाई प्रेशर कंप्रेसर बोलते हैं। क्लियर बेटा? क्योंकि जो पहले वाला कंप्रेसर होगा वो थोड़ा सा प्रेशर राइज करेगा, उससे अगला कंप्रेसर जो होगा वो और ज्यादा प्रेशर राइज करेगा, तो पहले वाले को लो प्रेशर और अगले वाले को हाई प्रेशर। बट जब हम टर्बाइन की बात करते हैं ना, तो पहले वाला टर्बाइन हाई प्रेशर टर्बाइन होता है और बाद वाला टर्बाइन लो प्रेशर टर्बाइन होता है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, सेकंड वाला कंप्रेसर जब आपका बहुत ज्यादा प्रेशर राइज कर देगा, तो वो वाला बहुत ज्यादा जो प्रेशर राइज हुआ है, सबसे पहले तो वो
पहले वाले टरबाइन के साथ टकराएगा, तो पहले वाले टरबाइन को कौन सा प्रेशर मिलेगा? ज्यादा प्रेशर। तो इसलिए ध्यान में रखना, कंप्रेसर के केस में पहला कंप्रेसर लो प्रेशर होता है, अगला कंप्रेसर हाई प्रेशर होता है, बट टरबाइन के केस में पहले वाला टरबाइन हाई प्रेशर होता है और अगला वाला टरबाइन लो प्रेशर होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? यस। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है बेटा। तो फाइनली ये कंप्लीट हुआ है, और एक बात मैंने आपसे पूछनी है, रजनीश से और कार्तिक से और दीपक का भी हो गया होगा, आपका रंकाइन हो गया है ना? यस सर, रंकाइन हो गया। रंकाइन हो गया सर। ठीक है, रंकाइन भी हो गया सर, और वेपर साइकिल वो भी हो गया सर। हाँ, वेपर भी हो गया आपका, आपका वो रहता है। ठीक है, चलिए, आप सभी स्टूडेंट ना एक बार लास्ट नजर मार लेना ब्रैटन पे कम्प्लीटली, और कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पावर प्लांट के अंदर ही, क्या कंप्रेसर और टरबाइन को अलग अलग देखेंगे। सर सर जो देख लीजिए अभी, एक मैं फोटो भेजिए, उसमें सर जो स्टार है इसका मतलब नहीं समझा, स्टार पॉइंट सर हमारा रैंकर नहीं हुआ है ना? नहीं बेटा, आपका आपका तो होगा, डिक्रीज ओवरऑल पर गिवन टू द कंप्रेसर, इसका मतलब क्या सर? कंप्लीट नहीं सेंटेंस है। एक्चुअली क्या है कि जब भी आप इंटरकूलर यूज करते हो, यहाँ पे बताने का यह मतलब है, जब भी आप इंटरकूलर यूज करते हो ना, तो जो ओवरऑल वर्क इनपुट है कंप्रेसर की, वो डिक्रीज करती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये कैसे डिक्रीज करती है, देखो, जो वर्क इनपुट होती है आपकी किसी भी कंप्रेसर में, ठीक है, मैं ये सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुन लेंगे, आपने एक कंप्रेसर लगाया, उसकी आरपी बढ़ाते चले गए, क्लियर। अब सबसे ज्यादा आरपी कितनी बढ़ा सकते हो, आपने मेरे साथ देखा, सबसे ज्यादा आरपी आप बढ़ा सकते हो जब आरपी मैक्सिमम वर्क तक जाए, है ना? अगर उससे ज्यादा आरपी बढ़ाते हो तो एफिशिएंसी फिर से डिक्रीज करनी शुरू हो जाती है। हमने ग्राफ देखा था एक, आपको सभी को बता दूं, आरपी जब आप बढ़ाते हो एक पॉइंट होता है, वहां तक तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपकी दोबारा से एफिशिएंसी जो है वो लग, हाँ ठीक है, ये हमने सभी ने देखा था। अब क्या है, जब भी आप एक बड़ा कंप्रेसर यूज करते हो, बहुत बड़ा कंप्रेसर जिसकी मान लो आरपी है 10, उसके लिए जो वर्क चाहिए होगा, मान लो एक्स चाहिए होगा एक्स, बट मैं अपना जो मैंने बात बोली मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा कंप्रेसर है जिसकी कंप्रेशन रेशियो है 10, उसके लिए वर्क कितना चाहिए, एक्स, बट अगर आपने दो कंप्रेसर यूज कर लिए विद इंटरकूलर जिनकी कंप्रेशन रेशियो है 5 और 5, तो अभी भी आपका जो आरपी है वो तो 10 ही बन रहा है, बट इस केस में दोनों कंप्रेसर जो वर्क इन लेंगे वो छोटा होगा एज कंपेयर टू आपने एक ही कंप्रेसर यूज कर लिया 10 आरपी का। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तब तो सर एफिशिएंसी इंप्रूव करनी चाहिए इंटरकूलर से। एफिशिएंसी इंप्रूव करती है कहाँ करती है सर, इंटरकूलर लगाते हैं आपने? नहीं, एफिशिएंसी, एक बात बताओ, आप इंटरकूलर से क्यों लगा रहे हो? वही चीज तो ना सर, अभी सर आपसे पूछे थे ओवरऑल सर वर्क को इंक्रीज करता है, ओवरऑल वर्क इनपुट को डिक्रीज करता है कंप्रेसर में, क्या ये एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा सर? देखो, अगर आप किसी भी तरह, मतलब डब्ल्यू नेट जो है वो WT माइनस WC है, अगर ओवरऑल वर्क इनपुट कंप्रेसर की थोड़ी सी भी कम कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी सी भी कम कर रहे हो, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी होगी। लेकिन सर इंटरकूलर उसे कंप्रेसर में डबल वर्क देना पड़ेगा। आप आई थिंक बात फिर नहीं समझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि
यहाँ पे दो कंप्रेसर लगाए क्यों है आपने? क्योंकि आपको 10 RP चाहिए था, एक 5 RP आपने एक कंप्रेसर में बढ़ा लिया, 5 RP आपने दूसरे कंप्रेसर में बढ़ा लिया, क्लियर। बट अगर आप यही आरपी 10 रखते और बड़ा कंप्रेसर यूज करते तो उसमें वर्क ज्यादा देना पड़ता आपको। आप क्या कर रहे हो, आपको ये दिख रहा है कि दो कंप्रेसर है, पर आप ये नहीं देख रहे इनकी जगह एक बड़ा कंप्रेसर लगा दिया जाता एक ही, जिसका आरपी 10 होता, उसमें आपको बहुत ज्यादा वर्क देना पड़ता फिर। तो क्लियर हुई? मतलब अगर हम सेपरेटली इंटरकूलर यूज करते तो एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी, अगर सेपरेटली सर हम इंटरकूलर केवल यूज करते हैं साइकिल में, तो सर एफिशिएंसी साइकिल की इंप्रूव करेगी? हाँ बिल्कुल, हाँ सर ठीक है। यानी कि फिर रीजनरेटर इंटरकूलर दोनों की वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव करती है ना? रीजनरेटर की हेल्प से भी करेगी, इंटरकूलर की हेल्प से भी करेगी। रीहीटर सर क्यों, वो वर्क नेट इंक्रीज करेगा? वर्क नेट इंक्रीज करेगा। ओके चलिए ठीक है बेटा, कल मिलते हैं क्लास में, कल मैं ही लग क्लास लूंगा आपकी, ठीक है? तो कल हम कंप्रेसर और टरबाइन को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, क्लियर? चलिए ओके, गुड नाइट एवरीवन।